दिल्ली में अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अहम है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी दिल्ली रेरा ने दिल्ली में घर बनाने को लेकर नए नियम बनाए हैं। इस फैसले के तहत दिल्ली के किसी भी रिहायशी इलाके में अब एक एक फ्लोर पर कई कई कमरे बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेरा ने प्रत्येक फ्लोर पर आवासीय यूनिट की संख्या सीमित कर दी है। जैसे कि 50 वर्ग मीटर वाली प्लॉट पर 3 आवासीय यूनिट ही बनेगी, जिसमें एक कमरा किचन और एक टॉयलेट होगा। इसके अलावा 50 वर्ग मीटर में 4 मंजिल मकान भी नहीं बनेगा और प्रत्येक फ्लोर पर कमरा एक ही होगा। दिल्ली रेरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक 50 वर्ग मीटर से लेकर 3,750 या इससे बड़े आकार के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा भी तय कर दी गई है। नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2008 के एक ऑर्डर का हवाला भी दिया गया है और उसी ऑर्डर के अनुसार अलग अलग साइज के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय करने की बात कही गई है। दिल्ली रेरा ने दिल्ली कैंट बोर्ड, MCD और DDA को भी इस संबंध में लेटर लिखा है और नोटिफिकेशन के अनुसार ही बिल्डिंग प्लान जारी करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी सब रजिस्ट्रार को भी रेरा ने पत्र लिखा है और कहा है कि 15 सितंबर के बाद किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन अनुसार आवासीय इकाइयों को चेक कर ही किया जाए। इसके अलावा सभी सब रजिस्ट्रार को भी रेरा ने पत्र लिखा है और कहा है कि 15 सितंबर के बाद किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन अनुसार आवासीय इकाइयों को चेक कर ही किया जाए। अगर प्लॉट साइज से ज़्यादा आवासीय इकाइयां हैं तो ऐसे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। किस साइज के प्लॉट पर कितना आवासीय यूनिट है देखिए इस चार्ट में। मास्टर प्लान 2021 के अनुसार एक आवासीय यूनिट का मतलब होता है एक कमरा, एक किचन और एक टॉयलेट, लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स ने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों और रेगुलराइज कॉलोनियों में 50 या 100 वर्ग मीटर के प्लॉट में एक एक फ्लोर पर कई सारे कमरे बना दिए हैं। ऐसे में लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। इसलिए अब रेरा ने अलग अलग साइज के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट की संख्या तय की है। अब कोई 50 वर्ग मीटर में 4 मंजिल का मकान नहीं बना सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खुलासा किया है कि दिल्ली सरकार के रेरा के एक आदेश के तहत संपत्ति पंजीकरण रुक गया है। बीजेपी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए पूछा है कि रेरा का आदेश 20 नवंबर से पहले या उसके बाद बनी संपत्तियों पर लागू होगा, क्योंकि उसका आदेश न केवल दिल्ली में संपत्ति व्यापार को नष्ट कर देगा बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों के हितों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।